वाला हेलो वर्ल्ड कर लिया था। और आज हम क्या करते हैं, इससे ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़ के हमने क्या देखा, पहले तो इस कोड को लाइन बाय लाइन समझना है हमें। तो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट की है। आप लोग नॉट जे एस और एक्सप्रेस पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही है इम्पोर्ट क्या चीज़ है, ठीक है। ई एस सिक्स से पहले क्या होता था कि आपको जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी होती थी आप उसका सी डी एन लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब उसको आप क्या करते हैं, इम्पोर्ट के स्टेटमेंट से हर फाइल में जहाँ जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो मिस कर दिया तो, जो हमने जब सर्वर शुरू किया था तो उस वक्त हमने ये सारी डिस्कशन की थी, जब हमने एक्सप्रेस का हेलो वर्ल्ड किया था उस वक्त की थी हमने ये डिस्कशन। अच्छा, अच्छा इसने भी कुछ इसके ना बेनिफिट्स बताए हैं कि कह रहे हैं कि दिस इज़ अ चेंज इफ़ यू आर यूज टू स्क्रिप्ट टैग्स एंड डेज ऑफ jQuery और प्लेन जावास्क्रिप्ट। कह रहे हैं कि अगर आपको CDN की आदत है ना jQuery में और प्लेन जावास्क्रिप्ट में यही होता था, एंड इट फर्स्ट माइट सीम लाइक अ पेन। शुरू में आपको लगेगा यार ये क्या बकवास है, हर फाइल में इसको अलग अलग इम्पोर्ट करना पड़ता है, ये तो बड़ा मसला है, तो आपको लगेगा पेन। बट एक्सप्लिसिटली इम्पोर्टिंग थिंग्स एज अ रियली नाइस साइड इफेक्ट। कह रहा है ये जो एक्सप्लिसिटली आप हर चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, एक्सप्लिसिट का मतलब वैसे पता है सब लोगों को, व्हाट डज इट मीन बाई एक्सप्लिसिटली, हाँ निकालना नहीं होता, इसका अपोजिट होता है इम्प्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब करो गूगल करो, हाँ क्या आ रहा है गूगल में, वाजे। अच्छा, तो कोई बड़ा अजीब सा ही ट्रांसलेशन बताइए। वेल मैं थोड़ा लेमैन अंदाज में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें इम्प्लिसिट होती हैं, इम्प्लिसिट पहले समझाऊंगा ना, एक्सप्लिसिट खुद ही समझ जाओगे। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट से यहाँ पे कहूँ कि यार ज़रा मुझे पानी पिला दें, अच्छा तो वो कितने गिलास पानी लाएगा, एक लाएगा, ठंडा लाएगा या गर्म लाएगा, जो अवेलेबल होगा वो ले आएगा, ठंडे गर्म की बात ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने उसको ये बोला तो नहीं था कि एक गिलास लाओ, मैं बोले मैंने तो बोला सिर्फ पानी पिलाओ, पिला दो मुझे पानी। अच्छा, लाएगा कहाँ से, वजू खाने से भरेगा, बेसन से भरेगा या कूलर से भरेगा, कहाँ से भरेगा, मैंने उसको बोला तो नहीं है कूलर से लाओ, सही है, मैंने तो इसे बोला यार मुझे पानी पिला दो। तो ये जो सारी चीज़ें उसने डिसाइड, ये इम्प्लिसिट डिसाइड हुआ है, ये इम्प्लिसिटली उसने खुद ही समझ लिया कि अच्छा यार कूलर से भर के लाना है और ठंडा करा है तो ठंडा ले आएगा वो, और एक गिलास गिलास में लाना है, बोतल बोतल जग में नहीं लाना है, गिलास में लाना है, ये सब इम्प्लिसिटली उसको समझ आ गया। अच्छा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार मुझे ज़रा पानी पिला दो और साथ में ये भी बोलूं मैं कि देखना यार ज़्यादा ठंडा नहीं लाना, तो ये मैंने एक्सप्लिसिटली उसको बताया कि यार ज़्यादा ठंडा नहीं लाना। अब वहाँ पे अगर वो ज़्यादा ठंडा हुआ ना तो फिर वो कुछ करेगा जो भी, या मुझे बताएगा आगे कि सर वो तो ठंडा ही है बस, गर्म है ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हम बताते नहीं हैं, खुद से बंदा समझ लेता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट में क्या होता है, हमें हर चीज़ अलग अलग बतानी पड़ती है। जैसे जब आप सौदा लेने जाते हैं तो मुझे हर चीज़ एक्सप्लिसिटली चाहिए होती है, मुझे समझ ही नहीं है उन चीज़ों की, सब्जियों की और पता नहीं, तो मुझे एक्सप्लिसिटली बताएंगे आप, लिख के एग्जैक्टली देंगे तो ही सही मिलेगा, वरना वो नहीं समझ आएगा मैं छोड़ दूँगा। जैसे कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो उनको अगर दही लाने के लिए बोला जाए तो वो दही नहीं मिलती है तो वो टमाटर ले आता है, या टमाटर नहीं मिलता तो दही ले आता है। लेकिन हर बंदा उतना समझ, जैसे कि मैं तो एक दो बार किया मैंने लेकिन उल्टा हो गया। एक बार टमाटर नहीं मिला तो मैंने कहा चलो यार दही ले लेते हैं, किसी से सुना था मैंने, तो वो मैं दही लेकर आ गया तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं टमाटर की दही की जगह टमाटर ले आया मैं, मैंने कहा यार उसमें तो रायता बनाना था, अब टमाटर से रायता कैसे बनेगा। तो इम्प्लिसिट होने के लिए ना पीछे आपको पता होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
जब भी आपको इम्प्लिसिट फ़ायदा देगा वरना नुकसान देगा आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी चाइनीज़ को बोलूँ कि मुझे पानी पिला दो, तो वो क्या करेगा है? नहीं, मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ अगर चिंग्लिश में कि प्लीज़ गिव मी वाटर ऐसे करके जो, तो वो क्या करेगा? वो पहले जाके कूलर से पानी भरेगा, उसके बाद अपना बैग खोल के ना उसमें सी वेल्ट निकाल के उसमें डालेगा और लाके मुझे दूंगा। सी वेल्ट डाल के पीते हैं ना पानी चाइनीज, सी वेल्ट पता है वो पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन काई जो जम जाती है, जिस पे लोटस होता है, ग्रीन ग्रीन काई जो जम जाती है ना पानी के ऊपर समुंदर में, वो सी वेल्ट होता है। तो चाइनीज़ पानी में वो डाल के पीते हैं, बड़ा हेल्दी, मतलब उनके ख्याल में बड़ा हेल्दी है वो। एलजी होता है, हाँ एलजाई होता है वो, तो वो एलजी पता नहीं उसको वो हेल्दी होगा कोई रीज़न, उनका कोई रिसर्च होगी उनकी। ये सुशी में भी जो रैप लपेटते हैं ना, ये जो सुशी में जो रैप होता है वो उसी का तो होता है, सी वेल्ट का। मुझे पता नहीं थी, एक बार मैंने खा लिया था। हाँ अभी मुझे रिसेंटली पता चला है, ये जैसे रोल बना के ये जो कार्ड देते हैं ना, ये सब सीधा रोल होता है, उसको कार्ड के ऊपर छोटा छोटा करते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना इसके ऊपर, ये सी वेड है, इसको सुखा के ये पेपर बनता है इसका, सुशी पेपर बोलते हैं इसको। तो मेरे पता नहीं था, तो मैंने खा लिया था एक बार, था मज़े का लेकिन बड़ा। अच्छा, तो हमने ये देखा कि एक्सप्लिसिट जो होता है ना, क्या है कि एक्सप्लिसिटली इम्पोर्टिंग थिंग्स हैज़ रियली साइड इफेक्ट, रियली नाइस साइड इफेक्ट। कह रहे हैं कि अलग अलग जो हर चीज़ को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, अगर मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज़ इंस्टॉल की भी है लेकिन इस फाइल में इम्पोर्ट नहीं किया मैंने, तो इस फाइल में मुझे वो एरर देगा, नहीं मिलेगा मुझे। तो ये एक्सप्लिसिटली इम्पोर्ट इस वजह से, तो कह रहे हैं इसका साइड इफेक्ट है बड़ा अच्छा, वो क्या है? एज यू रीड थ्रू द कोड यू कैन ऑलवेज टेल वेयर अ वेरिएबल इज कमिंग फ्रॉम। यानी नीचे जैसे लिखा हुआ है ना रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि रिएक्ट डॉम आ कहाँ से रहा है, रिएक्ट डॉम आ रहा है कहाँ से, आपको एग्जैक्टली पता होगा। आप इमेजिन करें, आप पुरानी जावास्क्रिप्ट वाला कोड अगर आपने मूवमेंट जेएस भी इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सियोस भी किया हुआ है, और भी चार पाँच स्वीट अलर्ट भी किया हुआ है, 10-12 लाइब्रेरी, ये तो छोटी सी आप क्लास के अंदर जो एप्लीकेशन बनाते हैं एज अ असाइनमेंट, उसमें 10-12 लाइब्रेरी तक आप यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। जब प्रोफेशनली आप कोई ऐप बनाते हैं तो वहाँ पे फिर और ज़्यादा होती है ना लाइब्रेरीज़ की तादाद, और ज़्यादा होती है, 40-45-50 तक भी पहुँचती है। तो अब ऐसे में ना, अब मूवमेंट डॉट नाउ अगर लिखा किसी ने, या मूवमेंट डॉट फ्रॉम नाउ करके लिखा कुछ कोड, तो अगर तो आपको पता है कि हाँ यार अच्छा ये मूवमेंट क्या चीज़ है, तब तो सही है। लेकिन आपको पता ही नहीं है वो है क्या चीज़, आप बोलेंगे यार ये मूवमेंट आ कहाँ से रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सम टाइम ऐसा होता है कि एक ही फंक्शन दो लाइब्रेरीज़ के अंदर होता है, एक ही फंक्शन जो है वो दो लाइब्रेरीज़ के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे एक्सियोस डॉट गेट एक मैंने किया, और किसी दूसरे में भी डॉट गेट है किसी दूसरी लाइब्रेरी में। मेरे साथ रिसेंटली एक पता नहीं हुआ था, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा वो क्या चीज़ थी, वो दोनों लाइब्रेरी में एक सेम था, तो वो मैं गेट कर रहा हूँ, वो पता नहीं कह रहा है कि इंटरनेट का एरर है। अबे मैंने कहा इंटरनेट से क्या ताल्लुक भाई इस लाइब्रेरी का, वो पता चला एक्सियोस में भी वो था, वो फंक्शन ना एक्सियोस में भी था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो फिर अब उसका क्या जुगाड़ करें, तो जुगाड़ उसका ये किया कि उसको फिर अलग से वो करके ना दूसरे वेरिएबल में डाल के, और पता नहीं क्या और कोई लंबी कहानी की थी, तो फिर वो दोनों अलग अलग हुए थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर सेम नाम से भी होगा ना तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं रिएक्ट डॉम एज और कोई दूसरा नाम दे देते हैं उसको, फिर पूरी फाइल में उस नाम से मिलता है, तो ये इसमें बड़ा अच्छा है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस कह रहे हैं रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, जब आप देखोगे ना तो आपको पता है कि अच्छा है रिएक्ट डॉम कहाँ से आ रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कंपोनेंट जो है हाई का हमारा, हाई का जो कंपोनेंट है वो एक सिंपल सा फंक्शन है, सही है। अच्छा, अब ये जो सिंपल सा फंक्शन है इसके बारे में क्या कह रहा है ये फंक्शन, दैट इज कॉल्ड हाई, दिस इज रियली ट्रूली प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन, इन फैक्ट everything in this file up to and including the word return is a plain javascript syntax, nothing react specific। कह रहा है इस पूरे कोड में ना react specific चीज़ है ही कोई नहीं। अब आप कह रहे होंगे यार ये तो html है लेकिन ये भी javascript है, और इसको ये कहते हैं jsx। अच्छा, तो अब ये function इतना तो पता है, return भी पता है, ये भी पता है, बस ये अभी इसकी कहानी रह गई ना,
इसमें कन्फ्यूजन है कि यार ये कैसे जावास्क्रिप्ट है. व्हाट मेक्स दिस फंक्शन अ कंपोनेंट इज द फैक्ट दैट इट रिटर्न्स समथिंग दैट कैन रेंडर ऑन स्क्रीन. ये फंक्शन जो है ये तो सिंपल सा फंक्शन है, इसको कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं, इसको हाई कंपोनेंट क्यों कह रहे हैं? तो वो इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये रिटर्न क्या करता है, ऐसी चीज रिटर्न करता है जिसको स्क्रीन पे प्रिंट किया जा सकता है, रिएक्ट उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर सकता है. और वो क्या चीज है, वो ये हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ है डिव में. दिस सिंटेक्स इज कॉल्ड JSX, इसको JSX कहते हैं इस सिंटेक्स को. एंड इट लुक्स एंड वर्क्स अ लॉट लाइक HTML. ये बिल्कुल देखने में भी HTML है और काम भी ऑलमोस्ट HTML की तरह करता है, लेकिन HTML है नहीं. React calls the function. ये function हम खुद कभी भी call नहीं करेंगे, ये function call करेगा, React call करेगा. अच्छा, get the JSX. जब React call करेगा इस function को तो return में उसको क्या मिल जाएगा, JSX मिल जाएगा. अच्छा, और render the equivalent HTML to the DOM. ये चीज़ खुद HTML के ऊपर render, जो DOM के ऊपर render नहीं हो सकती. सही है, रिएक्ट क्या करेगा, ये JSX पकड़ेगा लेके और इस JSX के इक्वेलेंट जो HTML बनती है, वेरी डिव के अगेंस्ट डिव ही है HTML में, जो भी बनती है इक्वेलेंट इसके HTML, वो DOM के ऊपर लगा देगा. अच्छा, नोटिस हाउ द JSX इज नॉट अ स्ट्रिंग. कह रहे स्ट्रिंग होता ना अगर ये, तो इसमें ऐसे डबल कोटेशन ये ऐसे लगा हुआ होता, लेकिन हमारे केस में ये डबल कोटेशन नहीं लगा हुआ. React is not turning these things directly into a string either. कह रहे कि ये string है भी नहीं और React इसको string में convert भी नहीं करेगा. React इसको string बनाने की कोशिश नहीं करेगा. React इसके साथ क्या करेगा, Before React runs, React के चलने से पहले there is an extra step the code goes through. कह रहे ये code क्या होगा, रिएक्ट के चलने से पहले ना एक फेज से उसको गुजारा जाएगा, एक प्रोसेस से उसको गुजारा जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाइलेशन. कंपाइल हो गई कोड, ठीक है. अच्छा, दैट कन्वर्ट्स द JSX इनटू फंक्शन कॉल्स. कह रहा है इस JSX को कहाँ किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फंक्शन कॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा रिएक्ट के चलने से पहले, ये कंपाइलेशन के अंदर. अच्छा, ये हमें कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा है कि ये पीछे होगा कैसे, हमें इससे कुछ करना वरना नहीं है, हम चलाएंगे वो डायरेक्ट चलेगा. अच्छा, कह रहे हैं कि ये जो बात लिखी हुई है ना JSX में, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाती है ये. कुछ इसको देख के याद आ रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट. जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टॉपिक होता है डॉम का ना, आपको शायद ये पहले आपसे बात डिस्कस हुई थी कि जो हम HTML में बात लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम HTML में लिखें, वो हम जावास्क्रिप्ट के जरिए भी लिख सकते हैं, ठीक है. वैसे तो ये चैटबॉट की क्लास है तो इसमें हमने जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स कवर किए हैं, डॉम वगैरह हमने कवर नहीं किया, ठीक है. तो ये मैं आपको इस पॉइंट पर बताना चाहूँगा कि जो HTML है वो खुद भी डायरेक्ट ब्राउज़र पर नहीं चल सकती, पॉसिबल नहीं है. जब हम कोई भी HTML लिखते हैं तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. क्योंकि प्रोसेसर को तो समझ आता है 0-1, उसके अलावा कोई बात ही समझ नहीं आती उसको. हेक्स कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हेक्स इंस्ट्रक्शंस, उसको वो समझ आती है. तो HTML जब कोड हम उसको देते हैं ब्राउज़र को, तो वो HTML ज़ाहिर है डायरेक्ट रन तो नहीं होगा, उसको कहीं किसी न किसी पॉइंट पर वो 0-1 में कन्वर्ट होगा. तो वो HTML को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. डॉक्यूमेंट मतलब HTML के डॉक्यूमेंट की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाता है. ये HTML किस में हो जाता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं DOM. सही. अच्छा, तो वो क्योंकि HTML जब भी रन होगा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगा और फिर जावास्क्रिप्ट जो आगे रन होती है प्रोसेसर तक जाती है, फिर वो 0-1 वो प्रोसेस आगे का. ये हाई लेवल पे हमने समझा कि HTML क्या होगी, हमेशा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगी. तो क्योंकि HTML हमेशा जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होकर चलती है, तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में रहते हुए भी मैं HTML को चेंज कर सकता हूँ और जो
जो मार्कअप सिरे से मौजूद ही नहीं है मेरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में वो लगा सकता हूँ। ये हम करते भी रहे हैं बाय द वे। हम क्या करते हैं, डिव बना देते हैं, उसको कहते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो डिव का आईडी देके उस डिव को मंगवाते हैं, उसको कहते हैं इनर एचटीएमएल में ये रखवा दो जाके। वो कैसे रख देता है, वो इसी तरह रखता है जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही होती है असल में, एचटीएमएल कोई चीज़ नहीं है। जब कोड रन होता है तो जावास्क्रिप्ट ही हर तरफ होती है। सीएसएस को भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसी डॉम के जरिए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो ये रिएक्ट है ना, इसको आप हटा के आप डॉक्यूमेंट लिखोगे डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे लिखोगे एलिमेंट का नाम, ठीक है, और उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ लिखोगे, तो वो एलिमेंट बन के तैयार हो जाता है। सही है, अब ये एलिमेंट बन के तैयार हो गया, इसको अब मुझे किसी डिव के अंदर रखवाना है ना अगर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस डिव को बुलाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ अपेंड चाइल्ड, अपने चाइल्ड में इसको रख लो इस एलिमेंट में, तो वो डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पर ना। तो ये डॉम के मेथड्स कहलाते हैं। हमने डॉम के मेथड इतने डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन ये कि हमने एक वो पढ़ा है इनर एचटीएमएल वाला, उसके जरिए हम ये काम करवाते रहे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट का अपना डॉम होता है, ये रिएक्ट का, ये रिएक्ट के ऊपर क्रिएट एलिमेंट हो रहा है, ये एचटीएमएल वाले डॉम पे नहीं हो रहा, ये किस पे हो रहा है, ये रिएक्ट का एक अपना डॉम उन्होंने खुद का बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल डॉम। अच्छा, उनके मुताबिक वो थोड़ा फास्ट वास्ट है कुछ है उसका मंजन, क्योंकि जाहिर है रिएक्ट वालों का उस एचटीएमएल पे तो कंट्रोल नहीं है ना, उसकी तो अपनी कम्युनिटी है, और वो मेरे ख्याल है एक्मा वाली शायद उसको भी देख रहे हैं, पता नहीं। वेल, तो उस पर इनका इख्तियार नहीं है, तो इन्होंने कहा यार हमें ये डॉम ना स्लो लग रहा है, कोई भी मसला लग रहा है, तो इन्होंने अपना बना लिया वर्चुअल डॉम। अच्छा, वो ये जो क्रिएट हो रहा है ना, ये किस पे क्रिएट होगा, ये वर्चुअल डॉम पे क्रिएट होगा, और वर्चुअल डॉम क्या होता है, सिंक रहता है जो जावास्क्रिप्ट के डॉम के साथ। तो वो जो चीज़ वर्चुअल डॉम पे चेंज होती है ना, वो ऑटोमेटिकली हर थोड़ी देर बाद स्नैपशॉट आ रहा होता है, ठीक है। तो ये एक लेयर होती है इसके अंदर। तो इनके मुताबिक अगर हम रिएक्ट वाले ना डायरेक्ट अगर जावास्क्रिप्ट के डॉम पे करते हैं ना, तो शायद थोड़ा स्लो रहता है, तो इनका वर्चुअल डॉम है, ये कहते हैं हमारा बहुत ही फास्ट। तो अब हमने क्या सीखा कि ये जो जेएसएक्स है, ये क्या होगी अल्टीमेटली, ये इस तरह का एक फंक्शन कॉल होगा और ये वर्चुअल डॉम के ऊपर डायरेक्ट रेंडर हो जाएगी स्ट्रिंग, इसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इनर एचटीएमएल वगैरह के टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। अच्छा, एक और बात कि हमें ये चीज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताई जा रही है, ताकि हमें पता हो बैकग्राउंड में होता क्या है, हमें इससे कोई छेड़छाड़ करनी है नहीं, ये सब पहले से हुआ हुआ है। हम जस्ट फंक्शन, अभी आपने ये जो हेलो वर्ल्ड चलाया उसमें कोई हमें ऐसी चीज़ करनी पड़ी, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है। अच्छा, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिस ऑल हैपेंस बिहाइंड द सीन, बेबल इज़ द टूल दैट डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, बेबल से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इस पूरे जब पूरी जितनी भी हम रिएक्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसमें बेबल का हमारा कोई काम नहीं, वो पहले से सेटिंग हुई हुई है पीछे बैकग्राउंड में। एंड इन द स्टॉक क्रिएट रिएक्ट ऐप कॉन्फिग, अभी हमने ना अपने कंप्यूटर में हेलो वर्ल्ड नहीं बनाया, वो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वो कह रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप करके ना एक सी एल आई टूल होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में हम बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं जब आप अपने कंप्यूटर में ऐप क्रिएट करेंगे ना न्यू, तो वो पहले से सेटअप हो जाता है सब कुछ, और वेब पैक इज व्हाट किक्स ऑफ बेबल। वेब पैक भी एक टूल होता है जो क्या करता है, बेबल को बोलता है कि कब चलना है आपको, ठीक है, मतलब वो जैसे ही हम कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो चला देता है उसको, कंपाइलेशन कब करनी है, जैसे ही हम कंट्रोल एस करते हैं कंपाइल कर देता है। वेल, तो ये भी हम करके देखेंगे थोड़ी देर में हेलो वर्ल्ड, तो हमें ये सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये होता सारा कुछ बिहाइंड द सीन है, हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी होती, पहले से हुई भी होती है। अच्छा, अब ये रेंडर वाला है, द लास्ट लाइन इज व्हाट मेक्स ऑल वर्क्स, इट इंस्ट्रक्ट रिएक्ट टू कॉल हाई फंक्शन एंड गेट्स द रिटर्न जेएसएक्स। अब ऊपर ये कह रहा था ना कि इस हाई के फंक्शन को कौन कॉल करेगा, रिएक्ट कॉल करेगा, रिएक्ट कब कॉल करेगा, इस पॉइंट पे करेगा, जब हम बोलेंगे ना रिएक्ट डॉम पे रेंडर कर दो, क्या रेंडर कर दो, इस हाई के फंक्शन को रेंडर कर दो, इस हाई के कंपोनेंट को रेंडर कर दो। और हमारे पास एचटीएमएल के अंदर ना एक रूट के नाम से एक डिव है, वो उस डिव का पूरा कंट्रोल हमने किसको दे दिया है, रिएक्ट को दे दिया है। हमारे पास एक जो एचटीएमएल की फाइल इसमें भी होती है, तो उस एचटीएमएल की फाइल में ना एक रूट के नाम से एक डिव बना हुआ है, तो हम उस रूट के नाम से जो डिव है ना, उस डिव का पूरा कंट्रोल हमने किसको दे दिया, हमने रिएक्ट के रेंडर को दे दिया। तो अब हमारी जो पूरी रिएक्ट की ऐप है ना, वो उस डिव के अंदर होती है, सही है। अच्छा, यही वजह है कि रिएक्ट के अंदर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि हम अपने बड़ी एप्लीकेशन है ना कोई, तो उसके किसी छोटे पार्ट में भी रिएक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन मेरी रिएक्ट पे हो, पूरी एप्लीकेशन किसी और टेक्नोलॉजी पे भी हो सकती है, लेकिन एक डिव हम उठाएंगे और उस डिव को हम किसको दे देंगे, रिएक्ट को दे देंगे, तो वो उतने पे रिएक्ट का पूरा कंट्रोल रहेगा, रिएक्ट की ऐप उधर चलेगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि पूरी ऐप के बजाय छोटे किसी हिस्से में चलाया जाए, जैसे कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में बनी हुई एंटरप्राइज लेवल की बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है तो उसका कुछ पार्ट भी रिएक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया सर, मैंने जो कम्प्लीटली रिएक्ट पे बनी हुई ऐप्स पे ही काम किया आज तक, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर कोई करना चाहे। अच्छा, तो अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको कंपाइलर किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कुछ इस तरह का बना देगा, ये हाई जो लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हाई, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्रिएट एलिमेंट का मतलब हाई, अच्छा हाई को फिर ये अंदर कॉल करेगा और हाई से वो JSX निकालेगा, JSX से क्रिएट एलिमेंट करके वो सब करके सब कुछ सेट कर देगा। आई वॉन्ट टू शो यू दिस फॉर टू इंपॉर्टेंट रीजन्स, दिस कोड इज अ प्योर जावास्क्रिप्ट कोड। ये जो इसने पीछे की इतनी बैकग्राउंड की बातें बताई ना, कह रहा ये ज़रूरी नहीं थी बताना, लेकिन ये उसकी दो खास वजह है जिसकी वजह से ये इतना लंबा खींचा है, कि ये जो कोड है ना ये प्योर जावास्क्रिप्ट है जो अभी तक हमने लिखा है और जो रिएक्ट में लिखेंगे हम इन फ्यूचर। रिएक्ट के अंदर कोई रिएक्ट स्पेसिफिक चीज़ है नहीं। एट द एंड ऑफ द डे द फैंसी JSX सिंटैक्स टर्न इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट। You might have seen people refer React as just JavaScript before. कह रहे हैं आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि React तो ना सिर्फ plain JavaScript है, तो ये इस वजह से कहते हैं। This is what they mean. Outside of JSX, there is not much React specific code in React app. कह रहे हैं कि React के अंदर कोई React specific code ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो React के अंदर होती हो JavaScript में ना होती हो। This is great because it means there is no magic. कह रहे हैं कि पीछे कोई जादू नहीं चल रहा है इसके अंदर। अब ये जैसे जावा वगैरह में होता है ना, उनके कॉम्प्लेक्स किस्म के कंपाइलर्स होते हैं, वो पीछे क्या चलता है, कैसे कहाँ से क्या बना देता है, वो आपको पता ही नहीं चलता। ये जावा की बात हो रही है जो जिसपे एंड्रॉयड की एप्स बनती थी पहले, ठीक है। इसी तरह सी शार्प वगैरह में भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसी खिचड़ी पकाता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। Learning React is more about learning new ways to solve problem than it is about syntax. कह रहे हैं कि React सीखने का मतलब है ना कि React नहीं सीख रहे आप, React सीखना जो है वो असल में problem को solve करने का एक नया तरीका सीख रहे हैं आप JavaScript के अंदर ही, ये कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे आप। अच्छा, नंबर दो रीज़न, यू डू नॉट कॉल योर ओन कंपोनेंट्स, React does. हम कभी भी अपने बनाए हुए कंपोनेंट को खुद कॉल नहीं करते, वो रिएक्ट कॉल करता है। नोटिस हाउ वी आर पासिंग अ हाई फंक्शन इटसेल्फ, आल्सो नोन एज रेफरेंस टू द फंक्शन। फंक्शन का जो नाम होता है ना, कहीं पे भी फंक्शन का नाम लिखते हैं हम, तो वो उसका रेफरेंस कहलाता है। ये वेरिएबल कोई ऊपर बना हुआ हो कि भाई लेट ए इक्वल्स टू 5, तो नीचे कहीं पे भी मैं ए लिखूंगा ना कंसोल डॉट लॉग ए, तो ये ए में क्या लिख रहा हूँ, उस वेरिएबल का रेफरेंस लिख रहा होता हूँ, सही। तो ये कह रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन को पास कर रहे हैं, फंक्शन का जो नाम है, फंक्शन का जो रेफरेंस है, वो आप पास कर रहे हैं किसको, रिएक्ट के रेंडर को पास कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट कॉलिंग इट, अगर हम कॉल करते हैं ना तो इसके आगे ये कॉल सिग्नेचर होता, ये नहीं हमने कहीं पे भी लगाया हाय के साथ, ठीक है। वी आर जस्ट पासिंग इट, दिस इज अ सबटल थिंग बट इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। कह रहा है कि आपको छोटी सी बात शायद लगे, लेकिन इसको आपने याद रखना है, रिएक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग योर कंपोनेंट फंक्शन, रिएक्ट कॉल करता है। इट विल डू दैट एट रेंडर टाइम, इन अदर वर्ड्स समवेयर इन द डेप्थ ऑफ द रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर फंक्शन एंड नॉट इन साइड द रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कह रहे हैं कि रेंडर इसको कॉल करेगा किसी न किसी पॉइंट पे जाके, हम नहीं करेंगे कॉल, ठीक है। अच्छा, ये भी एक डिबेट है कि रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। बहुत कम ऐसे लोग हैं वैसे जो उसको फ्रेमवर्क कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लाइब्रेरी मानते हैं। लेकिन असल में फ्रेमवर्क में और लाइब्रेरी में फ़र्क क्या होता है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में फ़र्क ये है, जैसे लाइब्रेरी में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, बहुत सारे फंक्शन को एक जगह जमा कर दो तो वो लाइब्रेरी है, ठीक है। एक एक फंक्शन हम उठाते जाते हैं और अपने हिसाब से जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन को कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, वो उस इनपुट के बिहाफ पे हमें कोई ना कोई आउटपुट दे देता है, तो दिस इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी।
लेकिन ये बात नोट करने वाली है यहाँ पे कि उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो कॉल होगा, हम जब तक कॉल नहीं करेंगे वो खुद से कॉल नहीं होगा, और हम ही उसको इनपुट देंगे और इनपुट दे के उससे हम आउटपुट लेते हैं। अगर हम कॉल नहीं करेंगे वो अपनी जगह खड़ा रहेगा। फ्रेमवर्क में ऑन अदर हैंड क्या होता है? फ्रेमवर्क में ये होता है कि हम कुछ कोड लिखते हैं, अच्छा वो कोड फ्रेमवर्क स्पेसिफिक होता है, वो जावास्क्रिप्ट का कोड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, ठीक है। हर लैंग्वेज में फ्रेमवर्क्स होते हैं, पाइथन में भी फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट में भी फ्रेमवर्क है, जैसे जेंगो है उनका एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक्सप्रेस है, जैसे एक्सप्रेस जो है सर्वर लिखने का फ्रेमवर्क है। तो हम कुछ कोड लिखते हैं और कुछ कोड लिख के हम फ्रेमवर्क को दे देते हैं, फ्रेमवर्क उस कोड को कंपाइल करता है, तोड़ मरोड़ के जो भी करना होता है फ्रेमवर्क करता है, हम अपने कोड को खुद कॉल नहीं करते, फ्रेमवर्क कॉल करता है। तो इसमें वैसे तो ये है लाइब्रेरी, क्योंकि फंक्शन बहुत सारे एक जगह इकट्ठे किए हैं इन्होंने, सही है, और हम कॉल करते हैं फंक्शन को ना, लाइब्रेरी को हम कॉल करते हैं। कौन सी लाइब्रेरी को कॉल करते हैं? रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर को हम कॉल करते हैं, और इसको कुछ चीज़ें देते हैं, उसको ये कॉल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एलिमेंट फ्रेमवर्क वाला भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी बात पे मुत्तफिक हैं कि ये लाइब्रेरी है, ठीक है। इस आर्टिकल में भी इसने किसी जगह पे ना एक मेंशन किया है कि ये मतलब अपना इसने वो पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया गया है, लाइब्रेरी समझता हूँ मैं इसको ना, यानी अच्छा ठीक है जी। योर टर्न नाउ दैट यू हैव अ प्रोजेक्ट इन प्लेस यू कैन प्ले अराउंड, मेक श्योर टू actually try these exercises even if they seem really simple, even if you are 99% sure you know how to do it। ये जो नीचे बता रहे हैं ना exercises, कह रहे हैं आपको लगता है ना कि यार ये तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको अपने हाथ से करनी है। Prove it to yourself by typing it out and see the results। कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ना कि आपसे हो जाएगा बहुत easily, तो प्रूफ करें इस बात को, अपने आप को प्रूफ करें। अच्छा नंबर एक क्या है? चेंज द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू से हेलो और आगे आपका नाम लगा दें, हेलो मलिक ऐसे कर दें उसको, ठीक, या कोई भी जो भी आपका नाम है। बोल्ड योर नेम बाय रैपिंग इट इन द स्ट्रॉन्ग या बोल्ड कोई भी टैग लगा के उसको अपने नाम को बोल्ड करके दिखाएं। इन साइड डिव एंड अंडर योर नेम एड सम मोर HTML एलिमेंट्स, ठीक है। वैसे है तो JSX, लेकिन आपको तो HTML आती है ना पहले से, तो आप HTML के तौर पे लिखते हैं। JSX तकरीबन HTML के तमाम मार्कअप्स को उन्होंने अपने पास किया हुआ है कॉपी ना, ठीक है, जैसे div है, h1 है, इनपुट है, फॉर्म है, ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं। तो वैसे आप अगर से पूरा पूरा HTML लिखते जाएँ तो वो JSX उसको पूरा सपोर्ट करता है, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज भी हैं, वो आपको फ़ौरन पता भी चल जाएगा जब आप करेंगे तो, ठीक है। हेडिंग ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं आप लगा कर देखें। गेट फील फॉर हाउ इट वर्क्स, हाउ डज इट हैंडल वाइट स्पेसेस, अगर आप वाइट स्पेसेस दे दें ज़्यादा, 4-5 स्पेस दे दें तो क्या करता है ये। वट हैपन्स इफ़ यू फॉरगेट टू क्लोज अ टैग, अगर आपने कोई टैग क्लोज नहीं किया तो ये क्या करता है, कैसे दिखाता है। आई मैंशन दैट टू यू, यू कैन पुट रियल जावास्क्रिप्ट कोड इन साइड JSX, ट्राई दैट आउट। इनसाइड द डिव इंसर्ट जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन सराउंडेड बाई सिंगल ब्रेसेस, कह रहे हैं ऐसे करके लिखते हैं आप JSX के बीच में और आप देखें फिर क्या होता है, ठीक है। वॉन्ट टू स्टाइल विथ CSS, आप चाहते हैं कि आप अपने जो आपने कंपोनेंट बनाया है, जो भी HTML लिखा है, JSX लिखा है, उसमें कुछ स्टाइलिंग कर दें, कुछ कलर वलर चेंज कर दें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्लास प्रॉपर्टी लाइक यू वुड इन HTML, यूज़ क्लास नेम। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे चेंज आ गई, HTML में हम लगाते थे क्लास, इसमें लगेगा क्लास नेम। देन क्रिएट अ फाइल लाइक दिस index.css में भी विद द स्टाइल्स एंड एड लाइन इम्पोर्ट index.css, ऐसे करके इसको ऊपर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे हम, CSS की फाइल लिखते थे और अपने उसको कैसे लगाते थे अपने पास, लिंक के ज़रिए लगाते थे, CDN के ज़रिए लगाते थे, लेकिन यहाँ पे अब उसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये इम्पोर्ट करने का तरीका है, उन्होंने यहाँ पे बता दिया ऐसे करना है, ठीक है। और कहाँ पे करना है, टॉप ऑफ द index.js फाइल, यप, यू कैन इम्पोर्ट CSS, दैट्स वेब पैक वर्किंग मैजिक बिहाइंड द सीन्स।
कह रहा है वो वेब पैक उसको देख लेगा कैसे इम्पोर्ट करना है क्या करना है। अच्छा ये क्योंकि इम्पोर्ट ब्राउज़र पर तो सपोर्टेड है ही नहीं, ठीक है, तो कह रहा है वेब पैक ना उसको कन्वर्ट कर लेगा कंपाइलेशन में और उसको इस काबिल बना लेगा कि वो हर ब्राउज़र में चलेगा, ठीक है। तो ये वाले तमाम काम ना आप लोगों ने अभी करने हैं। एट दिस स्टेज इफ़ यू ऑलरेडी नो सम HTML एंड सम CSS, यू नो इनफ अबाउट रिएक्ट टू रेप्लीकेट अ बेसिकली एनी स्टेटिक वेबसाइट। कह रहे कि अगर आपने ये यहाँ तक कर लिया ना, ये पांचों आपने कर लिए, तो इसका मतलब है कि आपको इतनी रिएक्ट आ गई है कि आप कोई भी स्टेटिक वेबसाइट कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। स्टैटिक वेबसाइट मतलब आपने जो CV बनाई थी शुरू में, तो ये पांचों काम अभी आप लोग कर लें जल्दी से, सही है। और अभी 7:22 हो रहे हैं, 30 मिनट है हमारे पास अभी, ठीक है, तो 30 मिनट इनफ होगा आई थिंक ये काम करने के लिए। ये कर चुका है कोई पहले से है जो ये कर चुका है? इतनी खामोशी क्यों है भाई? चलो करो जल्दी जल्दी।